पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने सेंट्रल मॉल में हुए चोरी का खुलासा करते हुए मॉल के सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए सिक्योरिटी गार्ड के पास से चोरी के 68,07,688 रुपए बरामद किए हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों सेंट्रल मॉल में चोरी हो गई थी, जिसके बाद से ही मॉल का सिक्योरिटी गार्ड फरार चल रहा था। सेंट्रल एसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी, कोतवाली एसएचओ और डायल 100 SIU के साथ साथ अन्य कई पुलिसकर्मी जो थे वो मौजूद थे। टीम के द्वारा तुरंत अनुसंधान प्रारंभ करते हुए विभिन्न पहलुओं पर काम किया गया। एक तरह से एकदम ब्लाइंड केस था। सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास मौजूद थी, जिसमें अभियुक्त जो है उसका चेहरा कंप्लीटली कवर्ड था। कहीं पे भी किसी भी सीसीटीवी फुटेज में चेहरे का कहीं भी कोई जो है वो उसके बारे में पता नहीं चल रहा था। लेकिन विभिन्न तरह का जो है वैज्ञानिक अनुसंधान इस्तेमाल करते हुए पुलिस के द्वारा अंततः टीम वर्क जो है पूरा पटना पुलिस जो है उसके द्वारा किया गया और जो अभियुक्त था विनोद साह इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसमें ये सेंट्रल मॉल के ही इम्प्लॉई हैं। इस खुलासे के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।